गुड आफ्टरनून, नमस्कार, केम छो, मज्जामा, क्या बात है जी, वाह वाह वाह। मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में बात कर पाऊंगा। मेरा नाम मनदीप कंबोज, मैं चंडीगढ़ से रहने वाला हूं और वैसे आई बिलोंग टू फिरोजपुर। मैं फिरोजपुर में पैदा हुआ, शहीदों की धरती कहा जाता उसको। आई लव दैट सिटी और थैंक यू थैंक यू। वहाँ से बीकॉम की, उसके बाद एमबीए की, वन ऑफ द टॉप 10 इंस्टीट्यूट में रहता है पीसीटी। एंड आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी एजुकेशन पेरेंट्स ने दी, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत शौक था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। तो मेरे फादर साहब गजटेड ऑफिसर थे, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, उन्होंने खूब मेहनत की, पढ़ाया और जीवन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला एमबीए से स्पेशली। और उसके बाद जो ड्रीम जॉब्स होती हैं, अच्छे अच्छे एमएनसीज में हमें मतलब जॉब मिले, वो ड्रीम होता है ना सबका। एक्साइटेड हैं आप या नहीं सुनने के लिए? देखिए, अगर आप एक्साइटेड हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आज यहां जो भी लोग बैठे हैं ना, उनकी लाइफ 100% चेंज होगी, राइट? एमबीए करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट जो अच्छी अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं, स्टैंड चार्टर्ड बैंक, मेट लाइफ, एआईजी, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, उनके बहुत सीनियर लेवल पे मैं पहुंचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहा मैं हमेशा। तो बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच के, बहुत अच्छे पैकेज पे पहुंच के, जहां ऑलमोस्ट लाख सवा लाख मंथली सैलरी थी, कंपनी की तरफ से गाड़ियां और बहुत कुछ था, वो सब कुछ करने के बाद आई फील सो ब्लेस्ड कि 2009 में जब मेरे को फॉरएवर मिली, इस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा और मैं आपकी तरह एक सक्सेस डे में एक सीट पे बैठा हुआ था, बट मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा था कि इस अपॉर्चुनिटी में मैं कहां पहुंच सकता हूं। एंड आई डिसाइडेड ऑन दैट सक्सेस डे कि मैं भी इस स्टेज पे पहुंचूंगा और जो ये अचीवमेंट्स हम देख रहे हैं वो मैं सारी करूंगा। सो आई टुक अ डिसीजन, मैंने डिसीजन लिया, थैंक यू, कि मेरे को फॉरएवर में आना है, इस बिजनेस को शुरू करना। और 6.5 महीने में रिलायंस में था, उस टाइम पे बहुत सीनियर पोजीशन थी, रीजनल सेल्स मैनेजर फॉर नॉर्थ, और बहुत ज़्यादा बिजी भी था। उसके बीच मैंने टाइम निकालना शुरू कर दिया धीरे धीरे, जो भी फ्री टाइम होता था मैं उसको यूटिलाइज करता था, फॉरएवर में आके सीखना शुरू किया। 6.5 महीने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं इसको फुल टाइम शुरू कर दूंगा। फुल टाइम शुरू किया और चैलेंजेस आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं, बट मैं एक कोट को हमेशा फॉलो करता हूँ, एडवर्सिटी कॉज सम मैन टू ब्रेक एंड अदर्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, राइट? कि जब हालात खराब होते हैं तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बट आई ऑलवेज बिलीव कि जब भी हालात खराब होंगे तो मैं उल्टा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। आप भी फॉलो कर सकते हैं इस चीज को? तो आज के बाद कभी कंप्लेन नहीं करना जीवन में कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। वी आर द बेस्ट, क्योंकि हमें बनाया किसने? वो भगवान ने, जो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बढ़ के कोई है? तो हम सब में वो जो ज्योत है वो सेम है, तो सब में पावर भी तो सेम है, तो सब अचीव कर सकते हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ अचीवमेंट्स, राइट? सो आई डिसाइडेड, आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी 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 हार्ड। हम कई बार फॉर्म फिल कर देते हैं और कहते हैं मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, बट मे बी बहुत सारे लोग फॉरएवर असल में कर नहीं रहे होते। मूवी देखने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो टाइम तो लग रहा है ना। आई डिसाइडेड कि अगर मैं फॉरएवर का फॉर्म फिल कर रहा हूँ ना, तो आई विल डू इट लाइक मैं जैसे पहले अपनी जॉब्स करता था। सुबह से शुरू होकर रात के कई बार 2-3 बच जाते थे, ईमेल लिखते हुए, रिपोर्ट्स बनाते हुए। तो उस पैशन के साथ इतना हार्ड वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया कि फॉरएवर में बहुत जल्दी ही मैनेजर लेवल क्लियर किया, फिर सीनियर मैनेजर लेवल क्लियर किया, कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2, कार प्लान लेवल 3, मैनेजर रिट्रीट, मलेशिया का ट्रिप आ गया उतने में, ईगल मैनेजर, ग्लोबल रैली, और धीरे धीरे चेयरमैन बोनस लेवल 1, चेयरमैन बोनस लेवल 2, 84 लाख का चेक, 97 लाख का चेक, इंडिया का नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटर, थैंक यू जी, थैंक यू जी, इंडिया का नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर, और मौका मिला जीवन में। कभी ऐसे ड्रीम नहीं थे, सिर्फ हार्ड वर्क, सिर्फ फोकस था हार्ड वर्क के ऊपर कि मेरे को मेहनत करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत करते 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 आई फील सो ब्लेस्ड जब मेरे को एक दिन कॉल आई, और ओबी सर की कॉल थी, और सर ने बताया कि मनदीप दिस ईयर यू आर द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया। आई फील सो ब्लेस्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये अपॉर्चुनिटी इतनी ज़बरदस्त है कि इस अपॉर्चुनिटी की वजह से पिछले कुछ सालों में ही
हार्डली अराउंड पिछले 6.5 साल में ही इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई, इतनी ज़बरदस्त अर्निंग मैं बयान नहीं कर सकता। मंथली इनकम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेरी आइडिया लगा सकते हैं कितनी होगी। लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर जो चेक था अराउंड 97 लाख जो दिवाली बोनस चेक था, उसको अगर आप डिवाइड करें 12 मंथ्स में, प्लस ऑन एन एवरेज मंथली जो चेक रहता है वो अराउंड 6.5-7 लाख की रेंज में रहता है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं 20-22 लाख रुपए मंथली फॉरएवर दे रही है, राइट? जॉब में अगर 20-22 लाख रुपए लेने हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जॉब कौन कौन करते हैं? वाओ, देयर आर मेनी पीपल, राइट? तो हम कितनी मेहनत करते हैं जी, कितने बजे जाते हैं सुबह? 8 बजे 8:30 बजे, है ना? और इवनिंग में कोई टाइम नहीं होता वापिस आने का, जब तक काम चल रहा है हम बैठे रहेंगे, राइट? और क्लोजिंग होती है तो और भी ज्यादा बिजी हो जाते हैं। आई रिमेंबर मैं अपनी क्लोजिंग में ऑफिस में बैठा रहता था, घर पे बताता था अब तो क्लोजिंग चल रही है, ये 2-3 दिन डिनर भी यही होगा, सब कुछ यही होगा, पता नहीं सुबह 4 बजे घर पहुंचूंगा। तो वो डेडिकेशन फॉरएवर में भी लेके आ सकते हैं हम? हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छा करें, हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि हम बहुत अच्छा करें अपनी टीम्स के लिए, दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बने? हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम ऐसे करे, हमारी टीम इतना बिजनेस करे, हमें सपोर्ट करे, हम अपनी टीम को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? हम पैसा कमाना चाहते हैं जी, तो पैसा कमाने के लिए अगर हम बिजनेस को भी देखें तो बिजनेसेस कैसे चलते हैं? एक ओनर होता है वो खुद मेहनत करता है बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अगर आपने करोड़पति बनना है, अगर आपने उससे भी बहुत आगे जाना है। जाना चाहते हैं जी? तो वो इन्वेस्टमेंट बड़ी सिंपल है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है लर्निंग में, ट्रेनिंग में। डू यू लव योर टीम्स? मैं अपनी टीम्स को इतना प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करता। मेरे को ये लगता है कि जो मेरे पास फ्री टाइम भी है ना, मैं, क्योंकि मेरी टीम्स वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो मेरा फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करना। अगर हम अपनी टीम्स को प्यार करते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टीम्स को इतना प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे को उनको बहुत कुछ देना चाहिए, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मेरे को उनको बहुत कुछ देना, बिकॉज दे आर माई टीम मेंबर एंड आई लव देम। आप भी करते हो अपनी टीम्स को प्यार? तो हमें क्या करना है, क्या दे सकते हैं उनको? बेस्ट ट्रेनिंग। तो बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए क्या करना होगा आपको? अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा ट्रेनिंग्स में, सीखने में। और आज सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट पे ई बुक्स हैं, बहुत कुछ है, अदरवाइज सीडीज, लिटरेचर, बुक्स हैं, वहां से सीख सकते हैं हम या नहीं? अगर हमने सीखा, हम बेस्ट बन गए, तो हम अपनी टीम्स को कैसी ट्रेनिंग देंगे? बेस्ट। तो बेस्ट टीम कैसे काम करेंगी, कैसे पैसे कमाएंगे और आपका चेक कैसा होगा, इमेजिन कर सकते हैं? इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ। करना चाहते हैं अपने आप को ट्रेन, तो अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें और टीम को सपोर्ट दें। मैंने अपनी टीम को सपोर्ट देने के लिए मतलब इतने एफर्ट्स किए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिस दिन से मैं फॉरएवर में हूं, उसी दिन से मैं लगा हुआ था अपना ट्रेनिंग सिस्टम बनाने के लिए कि मैं अपनी टीम के साथ बैठूं। पहले हम छोटे छोटे रेस्टोरेंट में बैठा करते थे, फिर मैंने एक छोटा सा ऑफिस जो था वो रेंट पे ले लिया था, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि फॉरएवर में इतनी पावर है कि फॉरएवर में काम करते करते मैंने करोड़ों रुपए यहाँ से अर्न किए, और मैंने वो करोड़ों रुपए, आई लव माय टीम सो मच, इतना ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ टीम को, मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए और एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर ऑफिस बाय किया, अपनी टीम को गिफ्ट दे दिया कि अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दूंगा, राइट? आप भी अपनी टीम को प्यार करते हैं तो अच्छे से ट्रेनिंग लें, उनकी सपोर्ट करें। जब आप उनको ट्रेनिंग दोगे, आई एम श्योर एंड यू आर ऑल्सो श्योर कि फिर वो काम करेंगे अच्छे से या नहीं? उनके सीसी बहुत अच्छे होंगे, उनके सीसी अच्छे होंगे, उनके फ्यूचर टीम्स के अच्छे होंगे, तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपके सीसी तो अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो टारगेट, जो लेवल्स आप सोच रहे हो उससे भी बहुत आगे हम जा सकते हैं। बट हमें करना क्या होगा, हमें अपने आप के ऊपर विश्वास करना होगा और हमें एफर्ट्स करने होंगे। फॉर्म साइन करने से कुछ नहीं होगा, फॉर्म साइन करके बैठे हुए हैं 5 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे, फॉर्म साइन करने से नहीं होगा। आप काम कितना कर रहे हैं, आप टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कभी भी कितना भी बिजी हो जाऊं, लाइफ में कितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हों, मैं सब मिस कर देता हूं जहां फॉरएवर आ जाती है, राइट? आई नो व्हाट इज माय प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी हमेशा फॉरएवर होती है। मेरे को इतने सारे बाय चांस ही सक्सेस डेज याद आते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी काम होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो शायद नॉर्मल पर्सन अवॉइड ही नहीं करेगा,
मेरे प्रेगनेंसी थी, वाइफ प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे बेबी की डिलीवरी होने वाली थी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही थी। वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करके मैं मोहाली सक्सेस डे में पहुंचा हुआ था, राइट। थैंक यू जी। ऐसी कई सिचुएशंस, ऐसे एक बार मेरे नानी जी एक्सपायर हुए थे तो तब भी मैं, मेरे को जाना पड़ा अचानक और मेरे को कॉल भी आई। आई एम सो थैंकफुल टू आवर स्टाफ, गुरविंदर जी स्पेशली, उन्होंने कॉल किया कि मंदीप आपकी ड्यूटी लगी हुई थी और मेरे को अभी पता चला, तो नो वरी, वी कैन अरेंज फॉर यू, कोई और रिप्लेसमेंट कर देंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं अभी रात को वापस आऊँगा चंडीगढ़, सुबह सक्सेस डे करके अगेन वापस चला जाऊँगा, अराउंड 400 किलोमीटर पड़ता है। आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बहाना ढूंढते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमें पता है फॉरएवर में जाना है, हमें पता है मेहनत करनी है, बट छोटा सा कुछ हमें ऐसा इश्यू मिल गया, हम कहते हैं नहीं जी अब तो ये हो गया, अब नहीं जाएंगे फॉरएवर, 5 दिन नहीं जाएंगे, 4 दिन नहीं जाएंगे। दैट इज द ओनली रीजन हम ग्रो नहीं हो रहे। ग्रो होना चाहते हैं बहुत ज्यादा, मेक श्योर आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें, मेक श्योर यू हैव द प्रायोरिटीज सेट। हम प्रायोरिटीज सेट नहीं करते, दैट इज द ओनली रीजन हमारी प्रायोरिटीज कभी पूरी होती नहीं है, क्योंकि हम प्रायोरिटीज बना ही नहीं पाए, फिक्स कर ही नहीं पाए, अपना टारगेट कर ही नहीं पाए। टारगेट और फोकस, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। हमारा सबका टारगेट क्या है, करोड़पति बनना, ग्रो होना है, उससे भी बहुत आगे जाना है ना, है जी सबका, अच्छे से यस की आवाज आनी चाहिए, हाँ जी, ओ वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर हमारा इतना बड़ा टारगेट है तो टारगेट के ऊपर फोकस भी करना पड़ेगा। मेरा टारगेट है ये वाला और फोकस इधर कर रहा हूं मैं, राइट। टारगेट ये है कि मेरी टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेल ट्रेंड होनी चाहिए टीम, ताकि वो बहुत अच्छे से बिजनेस करें, और जैसी वो बिजनेस करेंगे, जैसी टीम होगी वैसी रेपुटेशन होगी, हमारे कल्चर वैसा होगा, हमारी फॉरएवर की रेपुटेशन कैसी होगी। कैसी रेपुटेशन चाहते हैं आप फॉरएवर की? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं जिस दिन फॉरएवर में आया था ना, वो बहुत बड़ा डिसीजन था। बहुत सारे लोग तरसते हैं ऐसी जॉब्स पाने के लिए कि हम MBA करके और 8-10 साल मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचे। मेरे को उस जॉब को जब छोड़ना था ना, मैं क्यों छोड़ के आया, क्योंकि मैंने फॉरएवर को इतना स्टडी किया, फॉरएवर की मैनेजमेंट को स्टडी किया। आई एम रियली थैंकफुल टू सर। मैं इतना ज्यादा कन्विंस हुआ ना सर को देखने के बाद, सर को मिलने के बाद, ही सच अ ग्रेट सोल। मैं इनका सीरियसली फर्स्ट मीटिंग में जब इन्होंने बोला वहां पे मोहाली सक्सेस डे में, तो मैं इनका फैन बन गया। मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट कंपनी, दिस इज द बेस्ट मैनेजमेंट, और अब मेरे को ये कंपनी नहीं करनी है, अब मेरे को अपना जीवन दे देना पूरा, क्योंकि मेरे को पता है फॉर लाइफ टाइम, आई एम फॉर एवर फॉर दिस लाइफ, राइट। कई बार हम शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, वही रीजन होता है हम अपने काम को प्यार नहीं करते, हम अपनी टीम्स को प्यार नहीं करते, हम अपने बिजनेस को प्यार नहीं करते, और एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कुछ मिल जाए। नहीं, आप पहले परख तो लें कि कहां बैठे हैं। आई एम श्योर यहां पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको क्लियर है कि हम लाइफ टाइम के लिए हैं फॉरएवर के साथ। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है। होता तो मैं जॉब नहीं छोड़ता या उसमें चला जाता, राइट। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। जब इसको चूज कर लिया तो अंदर से एक तो ना ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमें ऐसा मौका मिला, राइट। वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर अपलाइंस, वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर टीम्स, जितने भी लोग हैं स्टाफ, क्योंकि सब लोग हमें कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं ना। जितने भी अचीवर्स हैं सबको एप्रिशिएट करना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, हम लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर पाते आगे ज्यादा, हम एप्रिशिएट नहीं करते, हम उल्टा कई बार जो है ना वो कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते हैं। हमें एप्रिशिएट करना चाहिए जो भी मिल रहा है, जो भी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, सपोर्ट मिल रही है, या मे बी नहीं सपोर्ट मिल रही, नहीं सपोर्ट मिल रही तो आप क्रिएट कर दीजिए अपनी टीम्स के लिए, राइट। मैंने यही सीखा था जीवन में कि जिस चीज की कमी है ना, आप उस कमी को पूरा कर दो, राइट। जो भी कमी आपको नजर आती है अपनी टीम्स में या कहीं पे भी, उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। और पहली चीज, अंदर से प्यार होना चाहिए अपनी टीम के लिए कि मैं अपनी टीम के लिए कुछ करूंगा। हम टीम से मांगते बहुत कुछ है, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। हमें ये चेक करना है हम अपनी टीम को क्या दे रहे हैं, क्या हम अपनी टीम्स को अच्छी नॉलेज, अच्छी ट्रेनिंग या कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई हेल्प दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम बन जाएगा, उनको हेल्प सपोर्ट मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, वो अच्छे बनेंगे,
अच्छा बिजनेस करेंगे, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, आपका बिजनेस अच्छा होगा, राइट? क्लियर? करेंगे सब? तो मैंने फॉरएवर में आने के बाद पता ही नहीं चला वो कितने लेवल, क्या चीजें अपने आप होती गई होती गई होती गई। और मजे वाली बात यह है कि ये अभी जस्ट शुरुआत है, अभी तक तो मैं सिर्फ ना अपना अपने आप को राइट, मैं आपको बताता हूँ जिस लेवल से मैं आया हूँ। मेरे फादर साहब कहते थे, बिकॉज ही रिटायर्ड एज अ गजेटेड ऑफिसर, तो ग्रीन पेन होता है हाथ में, तो बड़ी अच्छी एक पोस्ट होती है, अच्छी पावर होती है हाथ में। ही ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम एन IAS ऑफिसर और समथिंग। तो मैं MBA करने के बाद बड़ी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, तो उनको लगा कि चलो ठीक है। तो उसके बाद जब फॉरएवर में आया ना, तो वो फैमिली, बहुत सारे रिलेटिव्स, वो अगेंस्ट थे कि नहीं, इतने बड़े लेवल से छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो पहले कुछ 4-5 साल तो मैं अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ था, बहुत भाग दौड़ रहा था कि जस्ट मेरे को प्रूव करना है कि जो सैलरी, जो पैकेज मैं ले रहा था, मैं उसके बराबर पहुंच गया हूं, और रेपुटेशन जो वहां पे थी सेम मैंने मेंटेन कर ली एंड ऑल। और काम तो अब शुरू हुआ है, राइट? काम तो अब शुरू हुआ है। और जितने भी रिकॉर्ड वर्ल्ड में बने हुए हैं, हमें सबसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर रैक्स, जिन्होंने इतना प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम सिर्फ अपने तक नहीं सीमित हैं, हम बहुत सारे और बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं। आई लव टू सी मतलब ग्रेट पीपल लाइक द टॉप डायमंड्स, स्पेशली पीपल लाइक रॉल्फ केप, जेन एंड जॉन, उनसे जब मिलते हैं, उनके जब CCs उनका टैग देखते हैं ना, इतनी खुशी होती है ना मन में, इतनी मोटिवेशन मिलती है, और टारगेट्स बनते हैं और फोकस बनता है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमें फोकस कहाँ करना है? अपने टारगेट पे। टारगेट है इतने पैसे कमाने, इतनी अच्छी टीम बनानी, उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देनी। तो टारगेट जो है, फोकस भी उसी पे होना चाहिए। कई बार टारगेट इधर होता है और फोकस कहीं और होता है। कल मैं ट्रेनिंग भी देने वाला हूँ इन्हीं चीज़ों के ऊपर, जिससे आपकी टीम जो है वो अपने टारगेट, अपना विजन, वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेगी। और जिसका टारगेट क्लियर हो गया ना, उसको आपको उसके बाद कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप उसको बोल दोगे ना मत कर, उसको क्लियर है मेरे को ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं रोम का ट्रिप मिल जाएगा या चेयरमैन बोनस अचीव हो जाएगा, राइट? फिर वो होगा, 100% होगा। सब करना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं कल, तो आई एम श्योर इतना मजा आएगा आपको, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ हमें लर्निंग मोड में रहना है। कई बार पेट भर जाता है थोड़ी सी अचीवमेंट्स, और हम कहते हैं हमने बहुत अचीव कर लिया जी, 2 लाख का चेक आ गया, 5 लाख का आ गया। अपनी अपनी सबकी भूख होती है, वो भूख भर गई, हम कहते हैं बस अब हम और सीख नहीं सकते। अगर हम और सीख नहीं सकते, तो इट इज श्योर हम और सिखाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि बस और क्या बताएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। किसी भी बुक को उठा लो, 4 पेज पढ़ लो, आपके अंदर आप चेक कीजिए कितनी मोटिवेशन, कितनी पावर, और पता नहीं कितनी नई चीजें आ जाएंगी। सो मेक श्योर जब भी फ्री हैं, उस टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। चाहे हफ्ते में 2-3 बार कोई बुक पढ़ें, बुक जरूर पढ़ें, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। पता नहीं कितनी टाइप की बुक्स हैं आपके अंदर, जो भी चीजें आप लाना चाहते हो उस टाइप की बुक्स हैं, आप उनसे सीख सकते हो। और स्पेशली मैं एक चीज कहता हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज भी हमें ज्वाइन करने चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, हमारी इमेज अच्छी होगी। हमारी इमेज अच्छी होगी तो फ्यूचर में जहां आपने टीम्स बनानी है, उस एरिया में FLP की रेपुटेशन कैसी होगी। मैंने आपको एक चीज बताई है कि वी आर हेयर फॉर लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम जिस कंपनी में काम करना है उसकी इमेज कैसी बनानी चाहिए हमें। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ एक ही चीज सिखाता हूं कि देखो, काम, सेल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करके लाओ ना करके लाओ, जिस क्लाइंट को मिलो, हमारी FLP की इमेज ऐसी बना के आना, चाहे वो ज्वाइन हो चाहे ना हो, अंदर से आवाज आए वाओ वाओ, राइट? क्योंकि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें प्राउड फील होना चाहिए जब हम सामने वाले पर्सन को मिले। ऐसी इमेज बिल्ड करनी इस इंडस्ट्री में हमें अपनी, करेंगे जी? तो उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें वहां सिखाते हैं, टाई लगाने से लेके सब कुछ, कलर मैचिंग कॉम्बिनेशन ऑल, वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमें करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, हमें अपनी टीम्स को सिखानी चाहिए। हमें MBA में बहुत सिखाया गया, उसके बाद मैंने तो अपनी जॉब टाइम में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग्स लेने में। जितनी आप ट्रेनिंग्स लेंगे, आप उतना चेंज होंगे, जितना आप चेंज होंगे उतना आप अपनी टीम को चेंज कर पाएंगे। कौन कौन चाहता है मैं अपनी टीम को बेस्ट बनाऊं, अच्छे से ट्रेन करूं? वाओ, सुपर्ब, सभी, सबके लिए जोरदार क्लैपिंग जी, फिर क्या बात है। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है,
लर्निंग मोड में रहना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है। और जो अचीवमेंट्स हम देख रहे हैं इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो मैं जस्ट अपनी टीम को सपोर्ट करके, उनको ट्रेन करके, तो ट्रेनिंग देते 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 अब एक लेवल पे पहुंचे हैं कि अब सीसीज और बिजनेस में धमाल मचा देंगे। अगले 2 साल में आई हैव डिसाइडेड कि इंटरनेशनल लेवल पे, मैं रोल्फ किप का फैन हूँ, जिस लेवल के टारगेट्स वो बनाते हैं और जैसे उनको अचीव करते हैं, ही इज अमेजिंग। 20-21 हज़ार सीसी, सोच के देखिए अगर 20,000 सीसी हो तो चेक कितने का होगा, राइट? मजा आएगा ना। तो टारगेट बड़े बना ले थोड़े से। मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी टीम को ये बता रहा हूं कि अब हम ना 120 सीसी से फोकस थोड़ा हटा के ना 20,000 सीसी पे फोकस कर दें, राइट? मैंने कर दिया। अगले 2-3 साल में वो धमाल मचाएंगे, वो धमाल मचाएंगे। एफएलपी इंडिया को पूरे वर्ल्ड में नंबर वन तो करना ही करना है, बट उस लेवल पे लेके आएंगे, ऐसी रेपुटेशन, ऐसी इमेज बनाएंगे कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में जब भी कोई आदमी आपको मिलेगा, तो जैसे आज एक अच्छे लेवल पे, मान लीजिए हम कहते हैं आईएएस ऑफिसर, तो एक इमेज आती है ना बड़ी पॉजिटिव, अच्छी इमेज, एफएलपी का नाम लेते वो इमेज आनी चाहिए, वो यस, थैंक यू दी, वो इमेज हम बनाएंगे कंपनी की। हमने बनानी, तो क्यों ना अपने आप को अच्छे से ट्रेन करें, अपने माइंड को चेंज करें, पॉजिटिव करें। भगवान ने इतना कुछ दिया हमें, हम सिर्फ फोकस उस पे करते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है, मे बी वो नहीं आएंगी। और मे बी किस्मत बहुत बड़ी चीज है ना, तो मे बी हमारे कर्म ऐसे हैं, तो क्यों ना बेटर कर्म करें। और सभी धर्म ग्रंथों में एक ही चीज लिखी होती है कि दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो क्या होगा, वो जो लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में वो पूरा हो गया। अब आपकी हेल्प करने के लिए आपको पता कौन है आपके पास, ही इज देयर, राइट? तो जब वो साथ में है तो पैसा तो आपके पीछे पीछे चलेगा, इट विल फॉलो यू, बट उसके लिए आपको चेंज करना है, आपको बेटर बनना है। कभी ये नहीं सोचना, कई बार होता है मन में कि आई एम द बेस्ट, अब मैं और सीख नहीं सकता, या 10 लोगों ने मेरे लिए क्लैपिंग कर दिया है ना, तो फीलिंग आती है कि बस मेरे लिए तो सब क्लैपिंग कर रहे हैं, इसने कह दिया बेस्ट, इसने बेस्ट कह दिया, तो आई एम द बेस्ट। वो फीलिंग जैसे आएगी ना, ग्रोथ रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस फीलिंग को नहीं आने देना, ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, हमेशा सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, चेंज करते रहें। एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू एवरीबडी। भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, रोज हमें एक नया मौका मिलता है अपने जीवन को बनाने का, चेंज करने का, उस मौके का फायदा लें। हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा जो भी पर्सन आपको मिल रहा है उसको पॉजिटिव करें, क्योंकि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है आप वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास होंगी ना, जहां पे भी आप जाएंगे, तो वहां एनवायरमेंट चेंज होता जाएगा। चेंज मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं अपना अगर बात करूं तो मेरा जो रेशियो है ना, रेशियो कि मैं एक क्लाइंट को बताता हूं, तो दैट इज 100%, क्योंकि मैं सेल नहीं करता हूं, मैं ऐसे बताता हूं और वो फैन बन जाते हैं। सेल करना ही नहीं पड़ता, वो फैन बन जाते हैं। ऐसा दम है हमारे एफएलपी प्रोडक्ट्स में, ट्रेनिंग्स में, सिस्टम में। हमें ऐसे बनना है, ऐसी इमेज बनानी है, सब मिलके बनाएंगे। और मेरे को बताइए कि जब एमबीए करके 10-10 साल लगाने के बाद 1-1.25 लाख सैलरी मिल रही है, वहां दिवाली बोनस मिलते थे हमें। आई रिमेंबर मेरे को रिलायंस में दिवाली बोनस मिला था, नॉर्मल बिस्किट के डिब्बे मिलते हैं कुछ ऐसा, वहाँ 17-18 हज़ार रुपये मिला था, तो उस टाइम पे अच्छा लग रहा था। बट आई एम अमेज्ड, लाइक बयां ही नहीं कर सकता, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेक मिला 1,83,000, मैंने कहा वाओ थैंक यू। नेक्स्ट टाइम 7.5 लाख रुपये, थर्ड ईयर 10.5 लाख रुपये, फोर्थ ईयर 84 लाख रुपीज, अमेजिंग अमाउंट, अमेजिंग। समझ नहीं आता एक बार, वाओ क्या कर रहे हैं इसका, है ना, एकदम से, क्योंकि मंथली इनकम बहुत अच्छी चल रही है, 5.5-6 लाख की रेंज में मेरा चेक पहुंच गया था विद इन 4 ईयर। तो वो उस टाइम पे ऐसी अमाउंट मिलना, आई वॉज लाइक वाओ अमेजिंग। नेक्स्ट ईयर 97 लाख जॉब में, थैंक यू दी, जॉब में ऐसे दिवाली बोनस अभी तक देखे हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में? सो आर यू श्योर दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी? किसी को डाउट भी है ना, तो वो नेट से क्लियर हो जाएगा। नेट पे आप चेक कर लीजिए और कौन सी बेस्ट कंपनी, पूरा वर्ल्ड चेक कर लीजिए। मैंने बहुत सारी स्टडीज करने के बाद ना कंपनीज को, फिर मैंने डिसीजन लिया था कि इसको मैंने फुल टाइम करना है। अब एक ही चीज है जिसको हमने बेस्ट बनाना है, वो क्या है, हम
और हमारा माइंड सेट, इसको पॉजिटिव बनाना बहुत ज्यादा, और अपने आप को ट्रेन करना है, ट्रेन करना है। किसी भी तरह की आप ट्रेनिंग जब भी बैठोगे आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे, सीख के जाओगे। तो मेक अ हैबिट कि आपको अपने आप को अच्छे से ट्रेन करना है ताकि आप अपनी टीम्स को ट्रेन कर पाओ, उनको सपोर्ट कर पाओ, उनसे एक्सपेक्ट मत करो, उनको कुछ दिलवाओ, उनकी कुछ हेल्प करो, उनको कुछ सपोर्ट करो ताकि वो जीवन में ग्रो कर पाए। मैं देखता हूँ टीम्स में पता नहीं कितने मजबूर लोग होते हैं, कई बार मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि बहुत सिंपल लोग इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं। जब कोई बताता है यहाँ पे कि मैं बिल्कुल सिंपल सा हूँ या मे बी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ बट मेरा चेक 2 लाख 3 लाख का है, आई फील सो ब्लेस्ड कि हम अपनी एजुकेशन, थैंक यू जी, हम अपनी एजुकेशन जो हमारे साथ ही चली जानी एक दिन अदरवाइज, अगर उसको यूज़ ना करें, इतना कुछ सीखा पढ़े इतनी ट्रेनिंग्स ली सब कुछ अपने साथ व्यर्थ चला जाए, फ़ायदा है उसका? आई फील वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, जो हमने पढ़ाइयाँ की ट्रेनिंग्स ली वो सब कुछ लोगों में बांट के हम अपनी लाइफ नहीं करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, राइट? सो थोड़ी मेहनत करनी हमने बस अपने अंदर में ना, अपने आप को पहचानना है कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। अगर हम खाली अपना चेक देख रहे हैं या कुछ अमाउंट देख रहे हैं कि मेरे को मिल जाए, नहीं, हमें बहुत बड़ा सोचना है कि हम दूसरों की लाइफ में क्या चेंज ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी तरह इतने प्रिविलेज नहीं है, मे बी जिनको इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई या सपोर्ट नहीं है, हम उनकी सपोर्ट बने, उनकी लाइफ चेंज कर दें, उनके सीसी टारगेट। मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ कि आपके सीसीज, आपके चेक्स, मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ मेरे से 10 गुना होने चाहिए। आई एम देयर टू सपोर्ट यू। अगर मैं 97 का चेक ले रहा हूँ, आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके साथ हूँ। आपका चेक इंटू 10 होना चाहिए, 97 के बजाय 9 करोड़ का होना चाहिए। ये काम करना हमें अपनी टीम्स के लिए, उनको सपोर्ट देनी है, हमने दिन रात अपनी टीम्स को सपोर्ट देनी है। जितनी सपोर्ट देंगे उतना वो डेवलप होंगे, जितना वो डेवलप होंगे आपको अपने चेक सीसी देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ते जाएंगे। और जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ही इज देयर टू सपोर्ट यू, और जिसके साथ वो हैं उसको कुछ और सोचने की जरूरत है, राइट? तो धमाल मचा देंगे। सर ने बता दिया कि ये प्लेन अभी चल रहा था रनवे पे और 2017 में उड़ान शुरू हो गई है। यू डिसाइड कि आपने कितनी कंट्रीज, क्योंकि फॉरएवर ने तो घुमाते रहना है, अचीवमेंट्स देते रहना है। फ्लाइट अभी शुरू हुई है, 450 cc हुए, इसका मतलब इसके पीछे 0 लगने में भी टाइम नहीं लगेगा, 4000 cc भी हुआ करेंगे मंथली। एंड आई फील सो प्राउड। मैं अभी भी अपने एक वीडियो देख रहा था, कमिटमेंट लो, कमिटमेंट। मैं हवाई में था तो सर ने पूछा था कि क्या प्लान है, मैंने कहा जी प्लान ये है कि मेरे को बहुत मजा आया यहाँ पे, अब मेरे को कुछ करना चाहिए, कुछ करके दिखाना है। एंड आई मतलब प्रॉमिस यू कि मोहाली पंजाब को नंबर 1 बनाना मेरा काम है, राइट? थैंक यू दी। और वो सारी चीजें जो हम सोचते हैं ना यहां से, वो होती हैं। आप अपने आप के लिए एटलीस्ट आज डिसाइड कर लो कि मेरे को ये करना है, अपनी टीम के लिए डिसाइड कर लो मेरे को अपनी टीम को ऐसा बनाना है, ऐसे करना है, ये अचीवमेंट्स करनी है। सब कुछ यहां से चलता है, जितनी भी वॉर्स हुई है ना वो यहां से जीती जाती हैं और यहीं से ही हार जाती हैं। जब यहां से हमने हार मान ली ना, वी आर गॉन, वी आर ऑलरेडी लॉस्ट। जब यहां सोच लिया कि आई एम द विनर, आई विल विन इट, यहां से जब हो गया ना एक बार डन, तो फिर वो डन है। टाइम लग जाएगा, मे बी इस साल नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, राइट? तो यहां आज सोच के जाना है कि मेरे को जीवन चेंज करना है, अपना नहीं मैं कह रहा, अपनी टीम्स का, अपना अपने आप ही हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सपोर्ट योर टीम्स, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, उनकी हेल्प करें। जैसे उनकी हेल्प होगी आपका सिस्टम अपने आप चलता जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। सो इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट, इतनी ज़्यादा मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकता, फॉरएवर की तरफ से जो चीज़ें सपने में भी नहीं थी ना वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। कभी ऐसे नहीं सोचा था कि इतनी कंट्रीज घूमने को मिलेंगी, फॉरएवर ने कोई कंट्री नहीं छोड़ी, ऑलमोस्ट दुनिया भर के टॉप जो भी कंट्रीज हैं वो घूम चुके हैं, ऐसे ऐसे होटल्स में रह चुके हैं कि जो शायद सपने में सोच नहीं सकते कि इस होटल में हम रह सकते हैं। अभी ग्रीस का बता रहे थे, उससे पहले वी वर इन मरीना बे, उससे पहले जोहान्सबर्ग जाके आए, शब्दों से बाहर है, कल्पना से बाहर है वो चीज़ें जो फॉरएवर देती है। जस्ट एक ही चीज़ है, डिसीजन अपना पर्सनल होता है
कि मेरे को यहां से क्या लेना है। अगर आप यहां सिर्फ कुछ लेने के लिए बैठे हो तो अचीवमेंट कुछ और होंगी, बट अगर आप में दम है, आप देना सीख गए ना, एक बार आपने मन बना लिया कि मेरे को अब कुछ देना है, अचीवमेंट उसके बाद शुरू होती है रियली। जब आप देने वाले बन गए कि मेरे को कुछ करना है दूसरों के लिए, दूसरों की सपोर्ट करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की लाइफ चेंज कर देनी है, फिर आप देखो जो अचीवमेंट्स होती है ना वो आपको फॉलो करेंगे और आपको कभी कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। जो भी आप ड्रीम कर रहे होंगे ना उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो जीवन में अगर आगे निकलना है तो मैं आज फिर एक छोटी सी टिप वही दे रहा हूं कि दूसरों को सपोर्ट करना शुरू कर दें, दूसरों को थैंक्स करना शुरू कर दें। अगर थैंक्स नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मे बी कोई और ग्रो कर रहा है, तो उसके ग्रो करने के पीछे हमें पता नहीं उसकी मेहनत कितनी है, हम सोच रहे हैं पता नहीं कैसे ग्रो कर रहा है, तो वो चीजें नेगेटिविटी कई बार फील हो जाती है, अंदर फीड हो जाती है। तो नेगेटिव जब हमारे मन में चल रहा है, अपनी टीम को पॉजिटिव कर पाएंगे? नो। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है। बाकी कल मिलते हैं जी ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।